Hello dear student, today we discuss about difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic cell, prokaryote दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो का मतलब होता है प्रो, दैट मीन्स प्रीमिटिव, कैरियोन दैट मीन्स न्यूक्लियस। इसी प्रकार यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब एडवांस, कैरियोन दैट मीन्स न्यूक्लियस। फर्स्ट जो डिफरेंस होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में वो यही होगा कि इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रीमिटिव होता है और इनका न्यूक्लियस एडवांस होता है। नंबर सेकेंड, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियस जो होता है ओरिजिनल न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो जो न्यूक्लियस है उसकी चारों तरफ, जैसे ये यहाँ पर कि न्यूक्लियस की चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड, ये इसे क्या बोला जाता है न्यूक्लियोइड, क्यों? क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है वो तो एब्सेंट होता है और इनकी चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए इसका न्यूक्लियस क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड। सेकंड इधर, इन दिस यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस रेड जो है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। नंबर थर्ड, इंक्रीजिंग साइज की बात करें, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में हमने बैक्टीरियल सेल को लिया है और यूकैरियोटिक सेल में हमने एनिमल सेल को लिया है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनका साइज स्मॉल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल यूजुअली स्मॉल साइज, इनका जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। यदि हम बात करें इधर यूकैरियोटिक सेल की तो इनका जो साइज होता है वो 5 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर। नंबर 4, इन प्रोकैरियोटिक सेल, सेल वॉल आउटर लेयर जो है रेड कलर की, आउटर लेयर ये रेड कलर की, ये है सेल वॉल। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल, सेल वॉल प्रेजेंट। बैक्टीरियल सेल को लिया है हमने प्रोकैरियोटिक के रूप में, तो बैक्टीरियल जो सेल है उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उनकी आउटर लेयर क्या है, सेल वॉल जो इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की। इधर यदि बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल प्रेजेंट होती है इन प्लांट सेल विच मेड अप सेल्यूलोज, प्लांट सेल और इस प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है सेल्यूलोज का। एनिमल जो सेल है लाइक जैसे कि हम, हमारे अंदर सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है
मैंने आपको कल बताया था आउटर जो लेयर होती है वो डेड सेल होती है, सेल वॉल बोलते हैं उसे, और वो सेल वॉल प्लांट की किसकी बनी होती है, उसका जो कंपोजिशन है वो किसका होता है, सेलुलोज का। नंबर 5, यदि हम बात करें इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, यानी कि अल्पविकसित जिसे बोलते हैं वो। आगे भी हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल जो होती है एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं काफी अधिक संख्या में, ठीक है। तो मैं ये बात करूँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, ये सभी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट लाइक ER, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स टोटली एब्सेंट होते हैं। ये आगे आएंगे सभी, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, ये सभी आगे आएंगे नेक्स्ट, तब इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। यदि इधर बात करें नंबर 5, यदि हम इधर बात करें इसकी यूकैरियोटिक सेल की, तो उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक ER प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो इधर ऑल ऑर्गेनेल्स, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। नंबर 6, इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम, इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, और ये राइबोसोम होते हैं 70S टाइप के। इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर प्रेजेंट बोथ, इधर जो राइबोसोम्स होते हैं वो दोनों टाइप्स के होते हैं, बोथ यानी कि 70S एंड 18S, बोथ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। 70S टाइप्स के जो राइबोसोम्स होते हैं वो ओनली प्लास्टिड जो प्लांट्स में होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया, उन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। 18S टाइप्स के राइबोसोम्स इनकी साइटोप्लाज्म में, जो ये एनिमल सेल है कंप्लीट, इसकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं 18S टाइप के राइबोसोम। 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ओनली प्लास्टिड में एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 7, इनके अंदर इन प्रोकैरियोटिक सेल इनका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए सर्कुलर होता है। इधर यदि बात करें जेनेटिक मटेरियल की, वो लीनियर होता है, जो जेनेटिक मटेरियल इधर न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम्स, इधर जो है डीएनए है वो सर्कुलर होता है, इधर न्यूक्लियर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स, वो कैसा होता है, लीनियर होता है। नेक्स्ट, डीएनए विदाउट, इधर जो डीएनए होता है वो विदाउट स्टोन प्रोटीन होता है, विदाउट स्टोन प्रोटीन,
स्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इधर डीएनए एसोसिएट होता है स्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए स्टोन प्रोटीन के साथ इधर एसोसिएट होता है नेक्स्ट इधर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ मैकेनिज्म आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इधर न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बोथ प्रोसेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें दोनों की दोनों जो प्रोसेस होती है वो प्रेजेंट होती है ट्रांसलेशन दैट मींस डीएनए फॉर्म करता है और आरएनए का बनाता है डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन कहलाता है ये दोनों की दोनों प्रोसेस यहाँ न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है इसलिए दोनों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में नंबर 9 इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस व्हाइल ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस दैट मींस डीएनए फॉर्म करता है आरएनए का डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में हो जाता है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में जहां पर आरएनए फॉर्म करता है प्रोटीन में तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों अलग-अलग जगह पर होती हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस व्हाइल ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म नंबर 10 प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस ऑक्योर इन साइटोप्लाज्म इधर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है नंबर 10 इन यूकैरियोटिक सेल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड इन दोनों में भी कंप्लीट होती है इधर तो प्रोटीन सिंथेसिस किसमें कंप्लीट हो रही है साइटोप्लाज्म में इधर प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है प्लास्टिड प्लांट्स में जो होते हैं वहां पर क्या होती है कंप्लीट होती है 11 रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में हमने लिया है बैक्टीरियल सेल को यहां पर आउटर लेयर सेल वॉल इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन यहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये अंदर की तरफ थोड़ी घूमकर एक संरचना बनाती है जिसे बोलते हैं मीजोसोम रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन होता है मीजोसोम के द्वारा
ये वाली स्ट्रक्चर जो है जो अंदर की तरफ निकली उसे बोलते हैं लाइजोसोम। नंबर 11 रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इधर इन यूकैरियोटिक सेल रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 12 डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन सिंपल। इधर डिवीजन माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन आर प्रेजेंट। 10th क्लास में पढ़ा होगा माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन, जो आगे पढ़ाएंगे आगे आएगा। तो इधर तो डिवीजन सिंपल होता है, इधर डिवीजन माइटोसिस एंड मियोसिस। नंबर 13 जो इसमें फ्लैजिला होते हैं ये वाले इन प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन फ्लैजिला आउटर लेयर। फ्लैजिला ये जो फ्लैजिला होते हैं फ्लैजिला नंबर 13 फ्लैजिला जो होते हैं इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो 9+2 नहीं होती। फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर 9+2 नहीं होती। इधर फ्लैजिला नंबर 13 फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर 9+2 होती है। ये मास्टर इसके एग्जांपल की सॉरी नंबर 14 नंबर 14 नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो कैपेसिटी होती है प्रेजेंट होती है, जैसे अपने फलीदार लैगुमिनेसी जो फैमिली है उनकी प्लांट्स देखे होंगे। लैगुमिनेसी फैमिली दैट मींस फलीदार जो दालें होती हैं दाल, उन जो प्लांट होते हैं दाल वाले प्लांट उनकी जो रूट होती है रूट रूट में देखना गांठें मिलेंगी आपको छोटी छोटी गांठें रूट में। उन गांठों के पास उन गांठों में क्या होता है बैक्टीरिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हम किसको पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम राइजोबियम। वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस आर प्रेजेंट। देन नंबर 14 नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस आर एब्सेंट। क्लियर। दी बात करें कि एग्जांपल की फाइव किंगडम थ्योरी आरएच मीटिंग करने दी थी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उनका जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा मोनेरा वो सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं। मोनेरा किंगडम के जितने भी एनिमल्स ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इधर एग्जांपल मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा 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 से एनिमेलिया एनिमेलिया तक प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया इन सभी सभी चारों कैसी सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। क्लियर। ये में कुछ डिफरेंस थे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में।